रणवीर ने छीनी अक्षय से फिल्म। जी हां, रणवीर सिंह ने बॉलीवुड में अपना दबदबा कायम करते हुए सिंह इज किंग के सीक्वल में अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया है। रणवीर सिंह इन दोनों फुल फॉर्म में चल रहे हैं और रणवीर की झोली में एक के बाद एक फिल्म आती जा रही है। 1983 विश्व कप जीत पर कपिल देव के ऊपर बनने वाली फिल्म में हमें जहां रणवीर सिंह दिखेंगे, साथ ही रोहित शेट्टी की नेक्स्ट मूवी जो टेम्पर का रीमेक बताई जा रही है उसमें भी हमें रणवीर सिंह दिखेंगे। अक्षय कुमार हमें सिंह इज किंग, सिंह इज बिलिंग दोनों में दिख चुके हैं, लेकिन अब इसके तीसरे सीक्वल में हमें अक्षय कुमार नहीं दिखेंगे। इससे अक्षय के फैंस कुछ निराश होंगे, लेकिन इसकी वजह अक्षय का बिजी शेड्यूल है, क्योंकि अक्षय के पास अभी कोई भी डेट नहीं है। अक्षय ने 2019 तक की फिल्मों में अपनी मुहर लगा दी है, लेकिन अक्षय का एक किरदार रणवीर सिंह बखूबी निभा सकते हैं। और हमें उम्मीद है आपको रणवीर सिंह का सिंह इज किंग वाला लुक भी अच्छा लगेगा। आपको रणवीर के सिंह इज किंग मूवी से जुड़ने पर कितनी खुशी हो रही है हमें कमेंट जरूर करें। बॉलीवुड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।